हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फेवरेट स्टॉक में, जय हिंद। और आज हम बात करने वाले हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। देखिए, ट्राइडेंट लिमिटेड ऐसा स्टॉक है दोस्तों जहां पर काफी अच्छे एक चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं, एक काफी अच्छा मोमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है ताकि हम यहां से पैसे कमा पाए। क्या नई अपडेट है दोस्तों इस स्टॉक के बारे में, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और साथ ही में चार्ट का एनालिसिस भी दोस्तों हम करने वाले हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि किस लेवल पर हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं एनएससी की साइट के ऊपर, देखते हैं कि कैसा रहा आज का प्राइस एक्शन। और देखें अगर आप यहाँ पे दोस्तों, ये जो स्टॉक है तकरीबन 16.80 रुपए पे दोस्तों ओपन हुआ और इसने हाई बनाया 17.40 रुपए का, लो गया ये 16.60 रुपए तक, और इसने क्लोजिंग जो है वो जहां पर ओपनिंग दी थी वहीं पर दी है, मतलब 16.80 रुपए में। कल की क्लोजिंग की अगर हम बात करें, मतलब प्रीवियस क्लोजिंग से आज को अगर हम कंपेयर करें तो तकरीबन 1.20% की यहां पर हमें बढ़त दिखाई देती है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इसकी डिलीवरी क्वांटिटी की, तो तकरीबन 3,92,00,000 स्टॉक्स में दोस्तों यहाँ पर ट्रेडिंग हुई, जिसमें से 1,18,00,000 स्टॉक्स जो है वो डिलीवरी में उठाए गए, तकरीबन 30% से ज्यादा होता है ये। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों ठीक ठाक इसके प्राइस एक्शन दिखाई देते हैं, अभी आगे चलते हैं कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आ चुका हूं मनी कंट्रोल की साइट के ऊपर, और यहाँ पर अगर आप नजर डालें तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखें तो इसका जो टेक्निकल रेटिंग है काफी हमें बुलिश दिखाई देती है, वेरी बुलिश यहाँ पर लिखा हुआ अगर आप यहाँ पर देखें तो। पीछे का रीजन दोस्तों क्या है, हम सभी जानते हैं कि जितना जो प्राइस अभी चल रहा है इसका, वो जितना भी इसके SMA है और EMA है, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अगर आप यहाँ पर देखें तो उन सभी प्राइस से ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए वेरी बुलिश है। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जो कि पिवट लेवल्स होते हैं वो भी आपको नोट डाउन कर लेने चाहिए। क्या है वो लेवल सपोर्ट की अगर हम बात करें तो पहला जो सपोर्ट है वो है 16.43 रुपए का, अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको दिखाई देगा, ये देखिए। सेकेंड जो सपोर्ट है वो है 16.27 रुपए का, ये देखिए, और 15.98 रुपए का तीसरा सपोर्ट बनता हुआ नजर आता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 16.88 रुपए का पहला रेजिस्टेंस है, मतलब ऊपरी लेवल पर यहाँ पर जाकर स्टॉक रुक सकता है। इसके अलावा 17.17 रुपए का दूसरा रेजिस्टेंस और 17.33 रुपए का तीसरा रेजिस्टेंस हमें दिखाई देता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो कि आपको नोट डाउन जरूर करने चाहिए अगर आप इस स्टॉक में ट्रेडिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं अभी, बट ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों। खास तौर पे अगर हम बात करें इस स्टॉक को डिस्कस करने की आज, तो डिस्कस करने के रीजन दोस्तों ये है इसका वॉल्यूम। अगर आप इसके वॉल्यूम पर नजर डालेंगे ना, तो लास्ट मंथ, लास्ट वीक और यस्टरडे सबको अगर आप कंपेयर कर लेंगे तो उन सभी से ज्यादा आज के दिन का दोस्तों वॉल्यूम जनरेट हुआ है। तकरीबन 5 करोड़ का दोस्तों यहाँ पर वॉल्यूम था ट्रेडिंग का, जिसमें से तकरीबन 2 करोड़ स्टॉक्स जो है वो डिलीवरी में उठाए गए। ये पिछले महीने की अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा एक आंकड़ा बोल सकते हो आज के दिन जनरेट हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोस्तों ये कहीं ना कहीं अब यहाँ पर एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है, एक मोमेंटम क्रिएट हो रहा है ताकि ये ऊपर जा सके, राइट। तभी इतनी भारी मात्रा में हमको यहाँ पर एक डिलीवरी क्वांटिटी भी उठाई उठती हुई नजर आई, प्लस ट्रेडिंग भी होती हुई नजर आई। सो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि एक चांस बनता नजर आ रहा है, क्योंकि स्टॉक्स तो नो डाउट बहुत अच्छा है। पीछे का रीजन क्या है, देखिए कुछ चीजें और भी आपको बताता हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ पर जो कम्युनिटी सेंटिमेंट है दैट इज फाइन, 81% है, लेकिन हम अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर प्रमोटर के पास में यहाँ पर तकरीबन आप कह सकते हैं कि 73% से ज्यादा की डिलीवरी है, राइट। और ये शो करता है कि कितना कॉन्फिडेंस है वो अपने कंपनी को लेकर। 50% से ऊपर भी इनफ होता है, बट यहाँ पर अगर हमें 73% से ज्यादा की होल्डिंग दिखाई देती है प्रमोटर के पास में, तो आप मान कर चलिए कि कंपनी में दम है। इसके अलावा अगर हम बात करें फॉरेन इन्वेस्टर की, तो फॉरेन इन्वेस्टर के पास में भी ऐसा नहीं कि होल्डिंग नहीं है, तकरीबन 1.68% की होल्डिंग है। अगर आप नजर डालें तो दिसंबर के क्वार्टर में 1.61 था, अभी ये बढ़कर 1.68 हुआ है, मतलब यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर की जो होल्डिंग है वो इंक्रीज हुई है, राइट। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम देखें डोमेस्टिक इन्वेस्टर को, तो यहाँ पर देखें आप तकरीबन उनकी होल्डिंग भी 0.93% के बराबर उनकी होल्डिंग है, और ये भी एक अच्छा साइन है। बाकी जो होल्डिंग बचती है वो पब्लिक के पास में। सो इतने छोटे स्टॉक को अगर हम इतने अच्छे स्थिति में देखते हैं, तो दोस्तों हमें यहाँ पर गलती नहीं करनी चाहिए। दो स्ट्रेटेजीज हो सकती है यहाँ पर। पहली ये कि हम
एक लॉन्ग टर्म के लिए कुछ स्टॉक यहाँ पर लेकर जरूर रख दें। हमें दोस्तों वो स्टॉक्स खोजने ही होंगे जो स्टॉक मल्टीबैगर बनेंगे आगे आने वाले टाइम पर। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम बड़े बड़े स्टॉक्स में कुछ पैसे लगा रहे हैं, वहां से मुनाफा कमा रहे हैं और फिर जो है स्टॉक मार्केट में हम इस तरीके से काम कर रहे हैं। हमें ऐसे स्टॉक्स खोजने होंगे जहां पर हम ऐसे प्राइस पर वहां पर इन्वेस्टिंग कर पाए कि वो आने वाले टाइम पर मल्टीबैगर बन पाए। ये स्टॉक का प्राइस अभी क्या चल रहा है आप मुझे बताइए, तकरीबन 1600 के आसपास चल रहा है, राइट? अगर अभी हम यहाँ पर एक अच्छी खासी इन्वेस्टिंग कर देते हैं सो आने वाले टाइम पर दोस्तों हमें ये कितना बड़ा एक प्रॉफिट कमा कर दे सकती है इससे कोई हद नहीं है। मेरा दोस्तों बिल्कुल भी बोलने का मतलब ये नहीं है कि ये स्टॉक मल्टीबैगर बनने वाला है, लेकिन दोस्तों हमें तकरीबन 10 स्टॉक ऐसे खोजने होंगे जो कि मल्टीबैगर बन सकते हैं, सब में इन्वेस्ट करना होगा। उनमें से एक स्टॉक भी अगर चल गया और अच्छा खासा मल्टीबैगर बन गया तो आप ये समझिए कि जो 10 स्टॉक में पैसा आपने लगाया हुआ है ना उससे 1000 गुना ज्यादा प्रॉफिट लेकर जाएंगे। यही स्ट्रेटेजी दोस्तों काम करती है। कोई भी ऐसा फुल श्योर चीजें नहीं जानता स्टॉक मार्केट में, हमने उनके आंकड़ों को देखना होता है, हमें समझना होता है कि फंडामेंटल कैसे हैं और कैसा प्रमोटर काम कर रहे हैं कंपनी में और उस हिसाब से ही हमें इन्वेस्ट करना होता है। उन सभी पैमाने पर कहीं ना कहीं कंपनी खरी उतरती है, इसीलिए हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ क्वांटिटी लेकर जरूर रखनी चाहिए। बट डेफिनेटली दोस्तों मैं बाइंग और सेलिंग की आपको यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, कंप्लीटली आपका डिसीजन होगा। खुद भी स्टडी कीजिए, आपको लगता है अगर यहाँ पर बाइंग की जा सकती है तो यहाँ पर बाइंग कीजिएगा। बाकी आपकी क्या थॉट्स है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऑल्दो अगर मैं इसका चार्ट दिखाने की कोशिश करूँ आपको तो देखिए काफी हाई जाने के बाद में ये स्टॉक जो है वापस से नीचे आया है, मतलब तकरीबन आप कह सकते हैं कि ये स्टॉक ने 1930 के आसपास की रेंज दिखाई थी, वापस से अभी 16.80 में आ चुका है। एंड यहाँ पर एक जो मोमेंटम बन रहा है वॉल्यूम के हिसाब से, मतलब ये वापस से ऊपर अभी जाने की तैयारी दोस्तों कर रहा है। फॉर श्योर यहाँ पर अभी हम कुछ क्वांटिटी ले सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। आप एक क्या थॉट्स है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। जय हिंद।